अस्सलाम वालेकुम, सफदर कैसर कौशल न्यूज़ है। आज बरोज जुमा, मेरे जुमा का वक्त है। एक हादसा हुआ है, एक बुजुर्ग शख्स हादसा हुआ है। तो है ये बिल्कुल इनके रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार हैं। इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि हालात क्या थे। यहाँ पर तमाम लोग जमा हैं, नौजवान भी हैं और तमाम लोग यहाँ के अतराफ अकनाफ के लोग मौजूद है। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं और इसको हल को लेकर लोग क्या कह रहे हैं। ये कमेंट आपके सामने पेश किया जाएगा। अगर आपके रूबी अगर कोई कमेंट्स हैं, कोई सलाह देना चाह रहे हैं आपकी तरफ से, कुछ भी बात है तो आप कमेंट बॉक्स में कहिएगा, क्योंकि जुमा का वक्त है। तमाम अपने अपने नमाज के लिए जा रहे हैं, लेकिन हादसे में एक बुजुर्ग शख्स का भयानक हादसा हो चुका है। अभी यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनकी जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि हादसा किस तरह पेश आया है। आपकी अपनी राय क्या है आप अपने कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जुमा का वक्त है जी, तमाम नमाज की तैयारियों में ही, लेकिन एक तरफ अफसोसनाक वारदात हुई है। ये मामला क्या है जरा बताइए। ये जो भाई साहब थे गाड़ी में स्लो अलग के वहां से, ये जो टाटा इस वाला जो गाड़ी था उन्हें 100 के स्पीड में था। अच्छा। तो उन्होंने बहारन मान लिया, एकदम फास्ट आके गाड़ी के साथ लेके आ गया इनको, घसीट ले नीचे से आके इन गाड़ी के नीचे आ गए और गाड़ी जो अंदर से पड़ गई तो गाड़ी जंप होगी। ये स्कूटी जो आई है, स्कूटी उन्हें यहाँ से आ रहे थे, वर्णा कले से अलग होते है, उन्हें स्लो थे। सो 99% पूरी चलती इसकी चल रही है, फुल मामूली रोड से, ऊपर से मेन रोड से मुनीस रोड से जाले को था फास्ट उन्हें, लेकिन बहुत फास्ट में था उन्हें, गाड़ी कंट्रोल नहीं उसके हाथ में। क्या एक 15-20 स्पीड हुआ, 15-20 था। फॉरेन पुलिस यहाँ पे पहुंची क्या? फोन भी नहीं पहुंचे अभी तक। मैं चीज सो अभी आया सो, अब्बा आया सो, 20 मिनट से 25 मिनट हुआ अब्बा को पुलिस वाले, उससे पहले तो आपको नहीं थे। इन्फॉर्म करे ना कितने सारे फोन से करे उनका नाम, मैं उनका समझी हूँ। अच्छा, उनका नाम क्या है सर? उनका नाम नयाज अहमद। अच्छा, क्या उम्र है उनकी? उनकी उम्र रहेंगी 70-85-80 साल। अच्छा, तो ये लोग बता रहे हैं कि वो बहुत स्लो आ रहे थे, उनकी गाड़ी भी स्लो चलती थी। फिलहाल कहाँ है वो? फिलहाल अब ब्रजवल हॉस्पिटल को गए, वहाँ उन्होंने नहीं होता सीरियस है मैटर, इसे क्यार हॉस्पिटल को लेते। क्या बचने की उम्मीद है? नहीं कहते, 95% भी नहीं है। तो अब आप क्या मतलब पुलिस से और ये रोड के हादसे जो दिन ब दिन है, अब इसके बारे में पुलिस ट्रैफिक डालना, चौकी डालना है और गाड़ी जो आ रही स्पीड से उन्होंने बैरिकेड डाल को रहे तो भी आने वाला तो स्पीड ही चाहता है। एक्सीडेंट हुआ है वो कहाँ? घर का है? घर या पीछे बगल में ही है? नहीं नहीं आई, होटल के पीछे है। अच्छा, होटल के पीछे। क्या काम वगैरह? उन्होंने रिटायर्ड 80 साल के आदमी क्या काम करता हूँ? रिश्तेदार उनके बेटिया को मालूम है, उनका बेटा नहीं है और वो जो भी बेटी गई और क्या रास्ता को मैं भी अब जाना। फिर उनका नाम क्या हुआ सर? वो नयाज अहमद। उम्र 80 साल। नहीं, उन्हें एक 90 या 100 की स्पीड में अलग था, उन्हें उन्होंने वजू बना लगा नमाज पढ़ने के वास्ते आते थे, सो उन्हों मारदाल को उन्हें गाड़ी के अंदर से उन्हें 3 पलटा मार भी डाला, उन्हें मारदाल को गाड़ी छोड़ा भाग भी गया था उसे और हमें पकड़ को खड़ा करको ये करे उसे। नहीं भाग को नहीं, उन्हें है उन्हें इसमें वो हॉस्पिटल को उनके साथ ऑटो में बैठ लग गया है, वहाँ नहीं लिया गया प्रजीवल में, वहाँ से यहाँ को भेजे उन्होंने नारायणा को, वहाँ भी नहीं लेना क्यार हॉस्पिटल को भेज को ही। अब उनके अफसोसनाक एक बात है कि उनके बचने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, अल्लाह चाहे तो बच सकती इंशाल्लाह, क्यों तो यहाँ चुनो पूरा खत्म होगा था उनका। नहीं वहाँ ये पहला नहीं है, ये मिला 3 हमें देख डाली है ऑलरेडी,
परसों ये पल्सर वाले को मार को पूरा ये शेप खत्म हुआ, अमित उठा को प्रज्वल को ले लग गए सुबह, ये होले होले को अच्छा है, फोन करे तो पुलिस जल्दी आने वाली नहीं है, एक बार फोन करे तो घंटे टाइम छोड़ लगा पुलिस यहाँ आदमी आदमी छमे अमित कौन बैठे रहते हैं होट लांग उन्होंने हेल्प करने का रहता है गाड़ियां की स्पीड सौ के ऊपर रहती है यहाँ जैसा मैसूर बेंगलुरु रोड में कैमरा डाले वैसा कैमरा यहाँ भी डालाना रिंग रोड में रोड जी वो कैमरा डाला तो सर कवर्ड होता है कैमरा नहीं डाला तो 120 की स्पीड में कौन क्रॉस देखते यहाँ क्रॉस है वहाँ क्रॉस है वहाँ क्रॉस है देखते बैरिकेड जो डालती पुलिस कौन सी भी मिनिस्टर आया तो बैरिकेड हटा डालती और नहीं डालते और हमें डालना तो बैरिकेड में रोड रोड एकदम स्लो करके जाने की ऐसा एक चार पाँच एक सांगे छोटे छोटे बहुत प्रॉब्लम ये पहली बार क्या भी नहीं है हमारी होटल आज खड़े थे हमें उन्हें सामने से आया ना बहुत फास्ट में आया इन्होंने यहाँ से क्रॉस करते थे ऊपर से यहाँ से घर और मारिया सो मार वहाँ मारिया सो ना उनके जोड़ में यहाँ तक आए उन्होंने यहाँ तक भी आपको होगा खत्म हाथ पे पाँव धो भी चले गया पुलिस ये हो गई सांस चल रही थी परजेवल को बुला ले को गए परजेवल में क्या करके बोले तो ना डॉक्टर खाली स्पोज बिड़ा को ऑटो में बिड़ा को चक्कर इन सो ना तो अंदर लिए ना तो कुछ बोले खाली ये दलाल को काना में दल को ये चक्कर लेने की नहीं लेते यहाँ घर को बोल डाले परजेवल का बहुत बड़ा फॉल्ट हुआ एक अंदर लेना पेशेंट को करना नहीं चाहिए उनमें गालियां खुलसा करने में वो भी आको देखी सो ना तो गाड़ी आई ना तो कुछ अब ऑटो वाले कुछ ऐसा बिड़ा को कैरेज पेड़ को बुला ले चलेगी ना तो उन्हें फोन आ कर रहा ऑटो वाला इनके फैमिली में कौन भी नहीं है अब आको ही उन्हें वहाँ वेट कर लेखा है ऑलमोस्ट हो गया उनका खत्म हो गया क्या अल्लाह खैर करे।